Triund track. आप मेरे पीछे तो देख रहे हैं टैक्सी, ये सेक्टरी स्टैंड है। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहते हैं ऊपर जहाँ से मैं आया हूँ, तो आप मैक्लोडगंज से या अपर धर्मकोट से टैक्सी ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, गलुडेवी टेम्पल के लिए। ये आपको अराउंड 400 to 500 rupees चार्ज करेंगे, बट आप बार्गनिंग कर सकते हैं तो आपको थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप यहाँ तक चेक पॉइंट तक टैक्सी से आना चाहते हैं। और आप एडवेंचर्स करते हुए घूमते हुए आना चाहते हैं तो आप मेरी तरह शॉर्टकट अपर धर्मकोट से शॉर्टकट रास्ते हैं ऊपर आने के, तो वहाँ से भी आ सकते हैं। और बस मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ट्रैक। सर यहाँ से कितना ट्रैक है पूरा टोटल? सर वैसे तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, बाकी टाइम का जो है वो आप पर डिपेंड करता है, मतलब कि आपकी स्पीड से चलते हो किस हिसाब से। यहाँ से हमारा 6 और मतलब 6 किलोमीटर का ट्रैक, 6 किलोमीटर का ट्रैक है आपका पूरा। सर आपने यस सर, ये लो सर साइन कर लो, आपका सीरियल नंबर है 27। जब आप वापस आओगे तो बता देना। ओके सर, हमने काटना है और ये चेक करना है ऊपर। ओके बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जाओ सर। थैंक यू सर, वेलकम। तो ये यहाँ पे एक चेक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आपको अपना पूरा लगेज वगैरह जो भी आप साथ ले जा रहे हैं उसमें खाने पीने का जितना भी आपके पास सामान होगा आपको सब चेक कराना होगा। अब जितना भी गार्बेज साथ लेके जा रहे हैं आपको साथ लाना होगा, और उससे पीछे मैंने जो आपको डस्टबिन दिखाया है वहाँ आपको वो थ्रो करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड लाना ज़रूरी है, बिकॉज आपका चेक होगा और आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा। जब आप वापस आएंगे तो आपको वही सीरियल नंबर बताना है, और जितना भी गार्बेज आप साथ लेके गए थे तो उन्होंने नोट कर रखा है, तो वो सर आपका काउंट होगा। तो आप कुछ भी गार्बेज ऊपर फेंक के ना आए, साथ लाएँ, इससे कि नेचर भी क्लीन रहेगा और इनको भी कोई प्रॉब्लम, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वापस आएंगे। तो यहाँ से मेरा ऑफिशियल ट्रैक स्टार्ट होता है, और यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। How's your Josh? Hi sir. Hi sir. Down, down, down. Josh is down. Very high. नहीं high रखना है. बहुत high. और यहाँ से हमने अभी 20 rupees में 2 अपनी bottles fill करी हैं। वैसे आप बिस्लेरी की बोतल लेंगे तो भैया उसमें 50 rupees चार्ज कर रहे थे, बट उन्होंने कहा आपके पास एक और ऑप्शन है, हमारे पास टैंक्स में पानी है, वो भी अच्छा पानी है बट बिस्लेरी का नहीं है, तो वो 20 rupees में 1 liter दे रहे थे। हमने कहा ठीक है आप हमें वही पानी दे दीजिए। हमने अपनी 1.5 liter की 2 bottles फिल करा ली, और बस अब हम आगे फिर निकल पड़े हैं। आई थिंक हमारा आधा ट्रैक यहाँ कम्प्लीट हुआ है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमने यहाँ पर कम्प्लीट किया है। और बाकी आप पीछे देख सकते हैं व्यू इज़ अमेजिंग, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। देखो मनीष भाई कुछ इस तरीके के गाने गा रहे हैं ट्रैक पे, हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ, बट उनकी फैंटेसी थी, उन्होंने गाया गाना। कमेंट करके जरूर बताना गाना कैसा लगा भैया का हमारे। फाइनली रीच द त्रियुंद ट्रैक। इतना खून पसीना बहा के इतना ऊपर तक आने के बाद ये व्यू देखना, और ये खुली वादियों में सांस लेना, और यहाँ आराम से सोना, वर्थ इट है, वर्थ इट। अब प्लीज़ यहाँ विजिट करना, जब भी आपका प्लान बने लाइफ में कभी भी, तो इस ऐसे मोमेंट को कभी भी मिस मत करना और त्रियुंद ट्रैक जरूर कीजिए।
बट एक चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी कि आज हम नाइट स्टे नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मेन ऑफिसर होते हैं वो कल या परसों ही नाइट को यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे सारे टेंट वेंट जो पीछे देख रहे हैं आप मेरे पीछे टेंट्स वगैरह सब खुल रहा है और सब कुछ बंद हो रहा है, क्योंकि एक तो मानसून भी आने वाला है और इस चक्कर में भी है और भी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें नहीं पता है गवर्नमेंट का, तो उस रीज़न से भी यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है। फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप त्रियुंद आते हैं तो सबसे पहले ना यहाँ के अगर आपको भूख लगी है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लें और उसके बाद बस यहाँ थोड़ी देर लेट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको नींद आएगी ना तो वो बस जस्ट माँ की गोद में सोने जैसी नींद होती है, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। मैं बस थोड़ी देर के लिए नैप लेने वाला हूँ एक, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं मेजर नहीं करवा रहा हूँ, मुझे यहाँ इतना टॉप पे हिल के इतने टॉप पे यहाँ गायें दिख रही हैं, काउज, इनमें भी कितना स्टैमिना, इतना टॉप तक आ गई हैं। वहाँ मैं अभी पूरा जाऊँगा एंड तक, आपको दिखाऊंगा कि वहाँ एंड तक कैसे व्यूज़ हैं। आप कहीं भी जाएं ना आपको आई थिंक हिल्स पे हनुमान जी ज़रूर मिल जाएंगे, बजरंगबली जी, तो मैंने इनके संग सेल्फी ले ली है, आप आए तो आप भी इनके संग सेल्फी ज़रूर लेना एक बार। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही जादू है, आपको ना इतना मज़ा आएगा ना। मैं यहाँ पे अभी मैं अराउंड 2 बजे के 1:30 बजे के आसपास आ गया था आफ्टरनून में, 1:30 के अराउंड, और अब आई थिंक हमें 3:30 बज चुके हैं, 3:30 हो चुका है पीएम, और यहाँ से जाने का सही मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा कैंपिंग के लिए, नाइट कैंपिंग के लिए, बट अभी जाना होगा बिकॉज़ यहाँ पर नाइट स्टे के लिए कोई भी ओके सारी शॉप्स बंद करवाई जा रही हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, तो नाइट स्टे तो यहाँ इम्पॉसिबल है, तो नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। मैं आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं विंटर में आने का ट्राई करूँगा, कि विंटर का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, समर का हो गया विंटर का करेंगे, बस यही है। अभी 5-10 मिनट में यहाँ से निकलने का है, क्योंकि आपको नीचे उतरने में भी 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो अराउंड हमें अभी 4 बज जाएगा नीचे उतरते टाइम, 7 बज जाएगा मैं अराउंड नीचे मैक्लोडगंज पहुँचने में, तो मिलते हैं नीचे ही। बस मैं अभी यहाँ से यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ का ब्लॉग, और नीचे मिलते हैं, बाय बाय। फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, मुझे अराउंड 2 घंटे लगे होंगे, और टाइम अभी हो रहा है 6:17, और मैं बस नीचे आ गया हूँ, पूरा यहीं पे चेक पॉइंट है थोड़ी देर, बट मुझे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे, मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी इस ट्रैक पे, वो ये कि जब लोग ऊपर गार्बेजेस लेके जाते हैं तो वो साथ लेके नहीं आते हैं, और वो जितना भी गार्बेज होता है वो वही वैली में रह जाता है, तो हमारे पास एक पैकेट था तो हमने जितना हमसे हो सका हमने उस गार्बेज को कलेक्ट किया, तो इस तरीके से हमने कुछ गार्बेज कलेक्ट किया, मनीष पे दिखाना। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना गार्बेज कि आप इस तरीके से पैकेट्स लेके वहाँ पे कलेक्ट करके लाएं, बट आप अपना गार्बेज जितना ले जा रहे हैं कम से कम उतना साथ लेके आएं, कोई आपको ट्रैक के लिए नहीं कहता करने के लिए, आप खुद से आते हैं तो कम से कम आप इतना फॉलो करें कि आप अगर नेचर से कुछ ले रहे हैं तो कम से कम उसको गंदा ना करें, हाँ उसको कुछ नहीं दे रहे तो कम से कम उसे गंदा ना करें, उसको साफ रखें, बस इतना ही मुझे बोलना था, थैंक यू भैया, थैंक यू। हिचहाइकिंग करके बहुत अच्छा लगा।